हे गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू द चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो यार, आज के एपिसोड में हम समझने वाले हैं कई सारी मिस्टेक्स के बारे में जो बहुत सारे लोग, स्पेशली बिगनर्स, करते हैं। अगर आप ऐप डेवलपमेंट में जा रहे हो या वेब डेवलपमेंट में जा रहे हो, मिस्टेक्स हर जगह है। और पर्सनली मैंने भी की थी जब मैंने डेवलपमेंट स्टार्ट किया था। यार, उसी मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको पर्सनली बताऊँगा मेरा एक्सपीरियंस, समझेंगे ताकि आप लोग वो मिस्टेक ना करो। अगर आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो एज अ प्रोग्रामर, एज अ डेवलपर, और मैं ऐसे ही रैंडम चीज़ें नहीं बताऊंगा, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। और उसमें से मैंने जो सीखा है, मैंने जो मिस्टेक्स की थी, मैं चाहता हूं कि आप वो ना करो। देखो, हम क्या देखने वाले हैं। पहले तो मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट किया था, क्या मिस्टेक्स की थी। फिर हम बात करेंगे मेरे एक्सपीरियंस से मैंने क्या सीखा, मेरे लिए क्या एडवांटेजेस थे, क्या डिसएडवांटेजेस हुए और क्या लर्निंग्स रही, ताकि आप भी सही चीज़ें करो। ठीक है, काफ़ी कुछ समझने वाला है, तो वीडियो ज़रूर एंड तक देखना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार, सबसे पहले मेरे एक्सपीरियंस की बात करें तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था वेब डेवलपमेंट से। वेब डेवलपमेंट में क्या होता है, HTML, CSS, JavaScript, राइट, यही फंडामेंटल्स है। मैंने भी स्टार्ट किया था HTML, CSS से, बट HTML, CSS में बार बार करता रहा। तब मैं YouTube से उतना नहीं सीखता था। मैं क्या करता था, जो भी मेरे को सीखना है उसके आर्टिकल्स देखता था, उसके डॉक्यूमेंटेशन देखता था, वहीं से सब कुछ सीखता था। तो HTML, CSS पे भी मैंने सेम चीज़ की, आर्टिकल्स देखे, W3 Schools, Tutorials Point, और वहाँ से ही मैं समझता गया, सीखता गया HTML, CSS। बट अब हुआ क्या, देखो आप भी कई सारी चीज़ों को रिलेट करोगे, आपको भी लगेगा कि हाँ मैंने भी ऐसा किया था, तो इंटरेस्टिंग रहने वाला है, एंड तक देखना। तो हाँ, HTML, CSS से मैंने स्टार्ट किया, मल्टीपल रिसोर्सेज देखे। अब मल्टीपल रिसोर्सेज क्यों देखे, क्योंकि तब मेरे को आइडिया नहीं था कि HTML, CSS कितना ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। मेरे को लगा था कि HTML, CSS में हमें सब कुछ आना चाहिए, तभी हम नेक्स्ट टॉपिक मतलब जावास्क्रिप्ट में बढ़ सकते आगे। तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था, कोई मेंटर नहीं था। अब मल्टीपल रिसोर्सेज क्यों देखे, क्योंकि ऐसा था कि सपोज एक रिसोर्स में HTML के 20 टेक्स समझाए हुए थे, तो दूसरे रिसोर्स में 5 ज़्यादा थे और कुछ नया था उसमें, तो फिर मैंने दूसरा रिसोर्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि टाइम मेरा ज़्यादा कंज्यूम हुआ। मेरे को ऐसा था कि सारे टैग्स में कर लूँगा तो मेरा HTML एकदम अच्छा हो जाएगा, तो उसमें मेरा टाइम ज़्यादा गया। सिमिलरली CSS के साथ भी ऐसा ही हुआ। CSS जब मैंने स्टार्ट किया, तो अगर आपने CSS किया हुआ है तो आपको भी पता ही होगा कि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सब कुछ आना ज़रूरी नहीं है। बट मेरे को उस टाइम नहीं पता था कि CSS में कितना इम्पॉर्टेंट है। जो भी उस डॉक्यूमेंटेशन में था, मैं CSS सब कुछ करता गया। बट एक प्रॉब्लम हुई कि एक टाइम ऐसा आया जब मेरे को लगा कि यार CSS में तो बहुत कुछ है, मेरे को लगा यार अब तो नहीं होगा। इसलिए मैंने क्या किया, वेब डेवलपमेंट को बंद कर दिया और फिर एंड्रॉयड डेवलपमेंट में स्टार्ट किया। उसमें मैंने क्या किया, उस टाइम Udacity पे एंड्रॉयड डेवलपमेंट का एक अच्छा कोर्स था, गूगल के इंजीनियर्स ने वो पूरा एंड्रॉयड का कोर्स निकाला था। उसमें आई थिंक 5 to 6 चैप्टर्स थे, तो मैंने सारे चैप्टर्स एक एक करके सीखना स्टार्ट कर दिया। अब हुआ ये, मेरे प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट अच्छे नहीं थे उस टाइम, सारे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स मैंने नहीं किए थे। तो जब मैंने एक एक चैप्टर स्टार्ट किए और जब इंटरमीडिएट लेवल का कुछ आने लगा, मेरे को लगा यार अब तो ये नहीं होगा, फिर मैंने उसको भी बंद कर दिया। फिर मैंने सोचा कि यार वेब डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है, ऐप डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तब मेरे को पता चला कि दो चीज़ की प्रॉब्लम है, लॉजिक बिल्डिंग मेरा काफ़ी वीक था, दूसरा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स मेरे सारे क्लियर नहीं थे, काफ़ी कुछ कंसेप्ट्स मैंने सीखे नहीं थे। तो फिर मैंने पहले क्या किया, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट पहले अच्छे से सीखे और लॉजिक बिल्डिंग भी धीरे धीरे इंप्रूव करता गया, उसके भी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि वेब डेवलपमेंट वापस स्टार्ट करता हूँ, और तब मैंने फ्री कोड कैंप का नाम सुना। फ्री कोड कैंप में मैंने देखा कि यार HTML, CSS दोनों हैंड्स ऑन करवा रहे, तो मैंने फ्री कोड कैंप से HTML, CSS सीखना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे सर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट भी अवेलेबल थे जो हमें खुद करने थे, तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना इसको ट्राई करें, जिससे मैं कुछ स्क्रैच से प्रोजेक्ट भी बना सकूं। तो मैंने फिर यहीं से HTML, CSS दोनों कर लिया, प्रोजेक्ट्स भी अच्छे से बना लिए। उस टाइम मेरे को नहीं पता था कि सर्टिफिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, जिससे फ़ायदा हुआ, मेरे को सीखने को मिला, बट सर्टिफिकेशन का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो यहाँ से मेरा HTML, CSS तो अच्छे से हो गया विथ प्रोजेक्ट्स। अब मेरे को कॉन्फिडेंस भी आ गया था, धीरे धीरे मेरे को पता भी चला कि HTML, CSS कितना आना चाहिए, कितना ज़रूरी है। और फिर मैंने स्टार्ट किया जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट के टाइम पे क्या हुआ कि मैंने डॉम के बारे में बेसिक्स पढ़ लिया डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू, और भी एक दो रिसोर्सेज थे
जहाँ से मैंने जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस की। अब हुआ ये, उस टाइम मार्केट में रिएक्ट काफ़ी चल रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाते हैं रिएक्ट का यूज़ करके। तो फिर मैंने सीधा जंप किया रिएक्ट पे। रिएक्ट पे मैंने बस एक ही कोर्स लिया था यूडेमी से, और उसी से मैंने पूरा रिएक्ट सीखा। बट हुआ ये कि वहाँ पे ES6 यूज़ हो रहा था, और मैंने ES6 किया ही नहीं था। मैंने सिर्फ जावास्क्रिप्ट में डॉम का बेसिक्स किया, और जो प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट होते हैं, बेसिक कंसेप्ट जैसे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस, ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स, वो सब किए थे। ES6 मैंने नहीं पढ़ा था उस टाइम। तो फिर क्या हुआ, जब रिएक्ट में मैं उस कोर्स से प्रोजेक्ट्स कर रहा था, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, कि ये क्या चल रहा है। फिर मैंने उसको वहीं पे बंद किया, और पहले ES6 के कंसेप्ट्स क्लियर किए, अच्छे से समझे, ES6 और ES7 दोनों के कंसेप्ट्स क्लियर किए, अच्छे से समझ लिया, और फिर मैंने रिएक्ट वापस शुरू किया। और फिर ट्यूटोरियल के प्रोजेक्ट्स तो कर लिए, पर उसके बाद कॉन्फिडेंस मेरे को आ गया था, जिससे मैं खुद के प्रोजेक्ट्स भी बना पा रहा था, रिएक्ट में भी और जावास्क्रिप्ट में भी। और जैसे जैसे टाइम गया, वैसे मेरे को समझ में आया कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट में कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि साथ साथ में दूसरे आर्टिकल से भी पढ़ते जा रहा था, जिससे मेरा नॉलेज और स्ट्रांग होते जाए। तो अब मेरे इस एक्सपीरियंस के थ्रू आज की डेट में मैंने रिएक्ट, एंगुलर, वैनिला जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट नेटिव, आयनिक, जेंगो, नोड, जावा, स्प्रिंग बूट, ये सब पे काम किया हुआ है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैटर नहीं करती, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स मैटर करते हैं। अगर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स आपके क्लियर है, तो आप कोई भी लैंग्वेज या कोई भी फ्रेमवर्क में काम कर सकते हो, चाहे आपने उस पर काम पहले किया हो या नहीं किया हो। काफ़ी सारे लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस की होगी, और अभी भी करते आ रहे होंगे, तो यार इसीलिए मैं बताना चाहता था, ठीक है। अब मेन चीज़, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इस जर्नी से क्या सीखा, क्या कुछ एडवांटेजेस रहे और क्या डिसएडवांटेजेस रहे। तो पहले एडवांटेजेस की बात करते हैं। पहला एडवांटेज ये था कि मेरा लॉजिक बिल्डिंग इस पूरी जर्नी में काफ़ी अच्छा रहा। जब मैं जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट सीख रहा था, तब मेरे को उतनी प्रॉब्लम्स नहीं आई, क्योंकि मैं लॉजिक बिल्डिंग के प्रॉब्लम्स पहले से ही करते आ रहा था। सेकेंड एडवांटेज ये रहा कि मैं आर्टिकल्स और डॉक्यूमेंटेशन से चीज़ों को समझना सीख गया था, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि मैं उस टाइम पे यूट्यूब से कम बट आर्टिकल्स और डॉक्यूमेंटेशन से काफ़ी सीखता था, जैसे W3 स्कूल्स हो गया, गीक्स फॉर गीक्स हो गया, ट्यूटोरियल्स पॉइंट हो गया, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन हो गया, MDN हो गया। क्योंकि आर्टिकल्स और डॉक्यूमेंटेशन से समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो, क्योंकि तब आप यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स नहीं देखोगे, राइट। तो ये भी एक अच्छा एडवांटेज था मेरे लिए। और तीसरा एडवांटेज ये था कि मैं वेब और ऐप दोनों को एक्सप्लोर कर चुका था, क्या दोनों के बेनिफिट्स है, किस में मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, किस में नहीं आ रहा, किस में कितनी टेक्नोलॉजी सीखनी है, कौन सी लैंग्वेजेस सीखनी है, तो वो मेरे को पता चल गया था। बट खैर, अब तो मैं दोनों में काम करता हूँ। अब बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेजेस मेरे ये थे कि मेरे को काफ़ी टाइम लगा फिगर आउट करने के लिए कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे HTML, CSS में मेरे को इनिशियली नहीं पता था कि कितना ज़रूरी है करने के लिए, कौन से टॉपिक्स करने ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए, तो तब मेरा काफ़ी सारा टाइम कंज्यूम होता था। दूसरा डिसएडवांटेज ये था कि मैं मल्टीपल रिसोर्सेज फॉलो करता था, उससे भी मेरा टाइम काफ़ी कंज्यूम होता था, क्योंकि एक रिसोर्सेज में जितना दिया होता है, ज़रूरी नहीं है दूसरे रिसोर्स में भी उतना ही हो, उसमें कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है, उसमें कुछ नया हो सकता है, तो मैं वो फॉलो करने लग जाता था। तीसरा डिसएडवांटेज ये था कि मेरे पास कोई रोड मैप नहीं था। सपोज़ मेरे को वेब डेवलपमेंट सीखना था, तो मेरे पास कोई रोड मैप नहीं था कि मेरे को पहले क्या करना है फिर क्या करना है। HTML, CSS, JavaScript उस टाइम पता था, बट उसके अलावा कि उसके पहले क्या करना होता है, जैसे अब मैं आपको सही से रोड मैप बता सकता हूँ कि वेब डेवलपमेंट को सही तरीके से कैसे सीख सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी पहले के वीडियोस में बताया हुआ है। बट उस टाइम मेरे पास कोई रोड मैप नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं था। अब ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को मिला के क्या लर्निंग्स हुई, क्या मैंने सीखा, वो आपके लिए जानना ज़रूरी है, ताकि आप भी वो मिस्टेक ना करो और इससे सीखो। तो पहली लर्निंग ये थी कि सिर्फ एक अच्छे रिसोर्स को फॉलो करो और उसी के साथ कंटिन्यू करो। मेरे जैसा मत करना कि मल्टीपल रिसोर्सेज आप फॉलो करते आ रहे हो और फिर उसमें ही टाइम ज़्यादा जा रहा है। दूसरे रिसोर्सेज आप देख सकते हो, बट जब कुछ सीख रहे हो तो सिर्फ एक ही रिसोर्स को फॉलो करो, चाहे वो कोई ट्यूटोरियल हो या कोई आर्टिकल हो, ठीक है। फिर सेकेंड लर्निंग ये है कि आपके पास रोड मैप सही से होना चाहिए, क्लियर रोड मैप होना चाहिए कि आपको क्या सीखना है। जैसे वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो तो पूरा रोड मैप आपके पास होना चाहिए, इसमें मेरे को क्या करना है, कितना करना है। अगर रोड मैप नहीं होगा तो आप काफ़ी सारा टाइम वेस्ट कर दोगे, जो मैंने किया था।
रोड मैप होगा तो आप सही डायरेक्शन पे जा पाओगे। तीसरी लर्निंग ये है कि ट्यूटोरियल्स को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। अगर आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स नहीं है, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो ट्यूटोरियल्स देख के भी जब खुद के प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। क्या कोड लिखूँ, कैसे स्टार्ट करूँ, वो समझ ही नहीं आएगा। इसलिए पहले लॉजिक बिल्डिंग और प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, ये दोनों को स्ट्रॉन्ग करो। एटलीस्ट ऐसा बिल्ड करो कि आपको लगे कि हाँ, अब मैं लॉजिक बिल्ड कर पा रहा हूँ, मेरे को कंसेप्ट समझ आ रहे हैं। ये पॉइंट से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी फ्यूचर में, जब भी आप खुद के प्रोजेक्ट्स बनाओगे तब। नेक्स्ट लर्निंग ये है कि एक मेंटर ढूंढो, अच्छा सा मेंटर। ज़रूरी नहीं है कि सबको मेंटर मिले, मेरे को भी नहीं मिला था। हो सके आपके सीनियर्स या आपका कोई दोस्त जिसको अच्छा नॉलेज हो, तो उसको पूछो, उससे गाइडेंस लेते रहो हर स्टेप पे कि आप सही जा रहे हो क्या गलत कर रहे हो, ताकि आप भी सही डायरेक्शन में जा सको, सीख सको, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट, खुद को ऐसे डेवलप करो कि सिर्फ एक लैंग्वेज से या एक फ्रेमवर्क से रिस्ट्रिक्ट ना हो जाओ। फॉर एग्जांपल, अगर आपने रिएक्ट सीखा तो ऐसा मत करना कि फ्यूचर में आप कोई और फ्रेमवर्क या लैंग्वेज सीखोगे ही नहीं। खुद को ऐसे डेवलप करो कि हाँ, मैं कोई भी लैंग्वेज या कोई भी फ्रेमवर्क पे काम कर सकता हूँ जब भी मेरे को मौका मिले। इस चीज़ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खुलेगी आपके लिए, ठीक है। आई होप इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ये मैंने जो पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, मैंने वही बताया है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जितना हो सके लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी मेरे को ज़रूर बताना। चलो तो फिर जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर।